गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग योर स्टडीज़ वेरी वेल. सो टुडे वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज़ नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स सॉयल. सॉयल की बात करते हैं. सो टॉपिक इज़ मिनरल रिचेज इन सॉयल, कि कौन कौन से मिनरल हैं जो सॉयल में प्रेजेंट होते हैं. अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज सॉयल एंड हाउ इज सॉयल फॉर्म. What is soil? Soil and how is it formed? बनती कैसे है बेटा? देखो एक्चुअली में जो अर्थ का रॉक्स वाला पोर्शन है, मीन्स जो अर्थ की चट्टानें हैं, अर्थ क्रस्ट किससे बनी हुई है? रॉकी सरफेस से. तो वो रॉक से जब रॉक्स टूटती है ना हजारों सालों में छोटे छोटे पार्टिकल्स में नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, बहुत कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो पार्टिकल्स टूटते हैं, तो क्या बनते हैं? सॉयल के पार्टिकल्स बनते हैं बेटा. देखो दिस लाइन इज सेइंग दिस कि ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, द रॉक्स एट और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कि जो रॉक्स अर्थ के सरफेस के पास हैं, अंडरग्राउंड नहीं, अर्थ के सरफेस के जो पास हैं, दे आर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोयल फॉर्मेशन को लीड करेंगे? वो फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है, वो कोई केमिकल फैक्टर भी हो सकता है, और इट में बी अ बायोलॉजिकल फैक्टर. अब हम क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई सॉयल कैसे फॉर्म होती हैं? क्योंकि जब तक सॉयल की फॉर्मेशन नहीं होगी बेटा, हमें जो मिनरल्स सॉयल में प्रेजेंट हैं हमें वो नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि मिनरल्स किसके साथ बाउंड अप होते हैं? बड़ी बड़ी रॉक्स में. मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? रॉक्स के अंदर प्रेजेंट हैं. तो वो फैक्टर्स जिससे सॉयल की फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट इज सन. क्या होएगा बेटा? सन. सन क्या करता है? सन का तो हीटिंग का इफेक्ट है, तो डे टाइम में जो रॉक्स हैं वो हीटअप होंगी. सो ड्यूरिंग डे टाइम बेटा जो रॉक्स हैं दे विल हीटअप, वो गर्म होती हैं, गर्म होंगी तो एक्सपेंड हो जाएंगी. ठीक है, क्या आ जाएंगी बेटा? एक्सपेंड. देखो कोई भी चीज़ हीट की वजह से एक्सपेंड होती है. फिर नाइट टाइम में हीट नहीं है तो क्या होगा? अल्टीमेटली कूल डाउन होंगी. तो दिन में एक्सपेंड करेंगी, रात को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. इसकी वजह से जो चट्टाने होती हैं उनमें क्या बन जाते हैं? क्रैक्स बन जाते हैं, दरारें बन जाती हैं, और उसकी वजह से जो चट्टाने वो बड़े बड़े पीसेस में टूट जाएगा. देन वाटर. वाटर क्या करता है? वाटर की वजह से जो सॉयल वो दो तरीके से बनती है. पहला मेथड क्या है कि जो क्रैक्स बनाए थे रॉक्स में अनइवन हीटिंग की वजह से, सन की वजह से, अगर उनके अंदर वाटर आ जाए, बाद में वाटर आ जाता है और वो फ्रीज हो जाए, तो वो क्रैक तो और ज्यादा वाइड हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे बेटा? और ज्यादा वाइड. दूसरा मेथड क्या है? जो बहता हुआ पानी होता है वो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को या बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेके जाता है और छोटे छोटों में तोड़ता रहता है. जैसे जैसे बहता जाएगा पानी, वो क्या है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता जाएगा. फिर ये रॉक्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, दूसरे मतलब नदियों में से बहते हुए, तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते जाएंगे. सो दिस इज द रोल ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर का, और एक जो वाटर क्रैक्स के बीच में फ्रिज हो जाए. देन थर्ड फैक्टर है बेटा विंड. विंड क्या करती है? विंड क्या करेगी बेटा? विंड क्या करती है? मीन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो तेज हवाएं होती हैं, तूफान होते हैं, वो अपने साथ उन पार्टिकल्स को उड़ा के ले जाते हैं. चट्टानों के जो पोर्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको उड़ा के ले जाते हैं. तो विंड क्या करती है? सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करने का काम करती है बेटा. देन बायोलॉजिकल फैक्टर. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे सॉयल बनती है. अब ये कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन बेटा? लाइकन्स. कौन? लाइकन. लाइकन क्या होते हैं? सबसे पहले ग्रो करते हैं किसी चट्टान पे, जहां पे बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है वहां ग्रो करते हैं, पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं. तो ये जब ग्रो करते हैं ना बेटा, तो ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं. व्हाट दे विल डू? दे विल रिलीज एंजाइम्स. एंजाइम्स की वजह से वहां से जो मिट्टी है वो जो चट्टान है वो टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी, और वहां पे फिर कुछ दूसरे प्लांट उग जाएंगे, लाइक मॉस आके उग जाएगा. मोस आएगा तो उसकी तो छोटी छोटी रूट्स होती हैं, वो रूट्स अंदर की तरफ जाएंगी तो क्रैक और ज्यादा बड़े हो जाएंगे. तो ये चार फैक्टर हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉयल, वाटर और विंड, जो सॉयल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. अब हमें तो पता चल गया सॉयल क्या है बेटा. इट इज अ मिक्सचर. व्हाट इज सॉयल? सॉयल इज अ मिक्सचर जिसके अंदर रॉक के पार्टिकल्स हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का पोर्शन है जो मिलके क्या बनाता है? ह्यूमस. और छोटे छोटे लाइफ भी, लाइक बैक्टीरिया होंगे, फंगी हो सकती है. तो सॉयल का साइज, जो टाइप ऑफ सॉयल है वो कैसे डिवाइड होता है, कि वहां पे पार्टिकल्स का साइज क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ ह्यूमस है, और किस तरीके के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. ह्यूमस सबसे बड़ा फैक्टर है बेटा, जो डिसाइड करता है कि सॉयल का स्ट्रक्चर कैसा होगा. जितना ज्यादा ह्यूमस उतनी ज्यादा पोरस सॉयल होती है, उतना ज्यादा वहां पे वाटर अंडर पेनिट्रेट करेगा.
जो मिनरल आपको सोयल के अंदर मिलते हैं, द मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट, मिनरल न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन सोयल, वो किस पे डिपेंड करेंगे कि बेटा कौन सी रॉक से बना हुआ है। जैसी रॉक होगी जिसमें ज्यादा मिनरल्स होंगे तो सोयल में भी क्या प्रेजेंट होंगे, ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब कुछ फैक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन से प्लांट वहां पे उगते हैं। तो जो टॉप लेयर होती है सोयल की, जिसके अंदर क्या है बेटा, ह्यूमस प्रेजेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉप सोयल। तो क्वालिटी ऑफ टॉप सोयल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वहां पे कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, कौन से प्लांट होंगे, कौन से एनिमल्स होंगे। ये किस पे डिपेंड करता है कि टॉप सोयल की क्वालिटी क्या है। जितनी अच्छी क्वालिटी उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। अब आजकल मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस खूब सारा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिसके कारण एक तो जो सोयल के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसकी वजह से वो मर गए हैं, ठीक है। दूसरा, इन केमिकल्स की वजह से अर्थवर्म जो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, जो मैन्योर बनाने में हेल्प करते हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। तो फर्टाइल सोयल क्या है, वो बंजर जमीन में चेंज हो जाती है। तो जो ये रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सोयल की, जो ये यूजफुल कंपोनेंट हैं उनका रिमूवल हो जाए और उसमें कुछ और सब्सटेंस ऐड हो जाए, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वहां पे जो डाइवर्सिटी है, जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल, वो खत्म हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, सोयल पॉल्यूशन। जो सोयल जो हम देखते हैं किसी एक प्लेस पे, वो बहुत करोड़ों मतलब हजारों लाखों सालों में वो सोयल बनी हुई है बेटा। अगर आप उसको हटा दोगे, वहां से रिमूव कर दोगे, तो बहुत कम टाइम में कर रहे हो आप। लेकिन अगर सोयल के मिट्टी के पार्टिकल्स बह जाएं, उड़ जाएं, तो इससे क्या होता है, टॉप सोयल क्या है, रिमूव हो जाती है, और वो मिट्टी कैसी हो जाती है बेटा, अनफर्टाइल हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सोयल इरोजन। अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है, इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑन द टॉप सोयल। ये बहता हुआ पानी, अगर यहाँ पे प्लांट है तो पानी धीरे धीरे आएगा, अगर प्लांट नहीं है, खाली जमीन है, तो पानी तो एकदम से आएगा। तो ये किसको इफेक्ट करता है, दिस इफेक्ट द सोयल इरोजन। अगर आपके जो प्लांट हैं, खूब सारे प्लांट हैं, उनकी जड़ें मिट्टी के अंदर हैं, तो मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी उड़के है, वो कम जाती है बेटा, एज कम्पेयर टू द बेरन लैंड। बिल्कुल खाली जमीन है तो वहां पे हवाएं आएंगी, पानी आएंगी, अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएंगी। तो टॉप सॉयल दैट इज ऑफ बेयर वेजिटेशन इज लाइकली टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली। मीन्स जैसे डेजर्ट वगैरह, उनकी अगर टॉप सॉयल है तो वो बहुत जल्दी उड़ेगी, एज कम्पेयर टू द जो आपका ऐसा रीजन जहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट है। सो दिस प्रोसेस ऑफ सोयल इरोजन इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स। एक बार टॉप सॉयल उड़ के चली गई, सोयल का इरोजन हो गया, अच्छी मिट्टी बह के चली गई, उसको दोबारा से लेके आना बहुत मुश्किल काम है। सो वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज अ रोल टू प्ले इन द परकोलेशन ऑफ वाटर इन टू द डीपर लेयर्स टू। मीन्स वेजिटेशन का भी, जो पेड़ पौधे प्रेजेंट है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है पानी को सौंपने के लिए, पानी को रोकने के लिए, और सोयल इरोजन को रोकने के लिए। सो आई होप हमने क्या पढ़ा बेटा, कि सोयल की फॉर्मेशन क्या होती है, मिनरल सोयल में प्रेजेंट है। किसी सोयल की क्वालिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो किस टाइप की रॉक से बनी है, वहाँ पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और कितना अमाउंट ह्यूमस का है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पे ह्यूमस माइक्रो प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं टॉप सोयल। और ड्यू टू द मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की वजह से ये टॉप सोयल खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोयल का पॉल्यूशन। और दूसरा मेन इफेक्ट है सोयल इरोजन, जो टॉप सोयल है वो इरोड होके हवा के साथ, पानी के साथ बह के चली जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।